देश के सबसे बड़े चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए 295 सीटों के साथ तीसरी बार सरकार बनाती नजर आ रही है। 2014 और 2019 के चुनाव नतीजों के विपरीत इस बार बीजेपी बहुमत के लिए जरूरी जादुई आंकड़े से पीछे रहती नजर आ रही है। यही एन फैक्टर के साथ शुरू हुए इन चुनावों के नतीजों ने भी एन फैक्टर ही दिया है। अब सवाल यह है कि एन फैक्टर से कैसे ये पूरा लोकसभा चुनाव जुड़ा था। दरअसल इस चुनाव की शुरुआत से ही एक एन फैक्टर जुड़ा था। आजादी के बाद से अब तक पंडित जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दें तो कोई भी प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार सरकार बनाने में सफल नहीं रहा है। पीएम मोदी के पास इन चुनावों में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर पंडित नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका था। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने शुरू हुए तो इन नतीजों ने भी एन फैक्टर दिया है। नमो नीतीश और नायडू, नमो यानी नरेंद्र मोदी के चेहरे को आगे कर चुनाव मैदान में उतरे एनडीए को सरकार बनाने का जनादेश मिलता नजर आ रहा है। ताजा रुझानों में एनडीए को 296 सीटें मिलती नजर आ रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी लगातार तीसरी बार बहुमत के साथ मोदी सरकार बनाने का मौका चूकती नजर आ रही है। अब एक एन यानी नेहरू की बराबरी कर लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पीएम मोदी को दो अन्य एन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों के रुख पर निर्भर रहना पड़ेगा। नीतीश और नायडू के रुख से ही सरकार तय होनी है। नीतीश की अगुवाई वाले यानी जनता दल यूनाइटेड को 14 और नायडू की तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिलती नजर आ रही है। तो फिलहाल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट को लेकर सबसे बड़ा अपडेट था, जहां पर एनडीए बहुमत हासिल करती हुई नजर आ रही है। अभी आगे देखना होगा कि आखिर किसको मिलेंगे सबसे ज्यादा वोट। इस खबर पर लगातार बने रहिए हमारे साथ, और भी हम चुनावी माहौल के साथ वापस लौटेंगे अपडेट्स के साथ। लगातार देखते रहिए हमारे साथ एबीपी लाइव।